ऑन दिस डे जब विराट कोहली की सुनामी के आगे उड़ गए थे पाकिस्तानी, हरिस रॉफ के मन में आज भी बसा हुआ है खौफ। विराट कोहली 23 अक्टूबर इन वर्सेस पाक, आज यानी 23 अक्टूबर के दिन 2 साल पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में विराट कोहली का बल्ला खूब गरजा था। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 विश्व कप का मैच खेला जा रहा था। उस मैच में किंग कोहली ने हरिस रऊफ की लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े और भारत को रोमांचक जीत दर्ज कराई। स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विराट कोहली ऑन दिस डे। भारतीय टीम के स्टार बैटर विराट कोहली जब भी मैदान पर एक बार जम जाए तो फिर विरोधी टीम की शामत आना तो तय हो जाता है। किंग कोहली ने अब तक अपने करियर में कई शानदार पारियां खेली है, लेकिन 23 अक्टूबर 2022 का दिन उनके लिए बेहद खास रहा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में जो उन्होंने कमाल किया था, उसकी चर्चा हमेशा की जाती है। कोहली ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। इस जीत के साथ ही किंग कोहली ने फैंस को दिवाली का तोहफा दिया था। पल पल बदलते मैच में तनाव झेलने वाले कोहली ने अपने करियर की बेस्ट पारी खेली थी। भले ही भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन अंत में कोहली ने 2 छक्के जड़कर पूरा मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरिस रऊफ को 2 छक्के जड़े और भारत को जीत दिलाई। कोहली के छक्के आज भी हरिस के जहन में ताजा होंगे। ऑन दिस डे T20 वर्ल्ड कप 2022, जब विराट कोहली ने हरिस रऊफ का बनाया था भरता। बात है साल 2022 की, जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और भारत के बीच T20 विश्व कप 2022 का मुकाबला खेला जा रहा था। इस हाई वोल्टेज मैच में पाकिस्तान की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद के बल्ले से अर्धशतकीय पारियां निकली थी। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या ने 3 से 3 विकेट चटकाए थे। वहीं 160 रन का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी। भारत ने 31 रन के स्कोर के खेल तक 4 विकेट गवा लिए थे। फिर विराट कोहली ने टीम की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। कोहली ने 53 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 82 रन की पारी खेली। यह भी पढ़े, जब विराट कोहली की जबरा फैन का हुआ रोहित शर्मा से सामना, भारतीय कप्तान ने जीत लिया दिल। विराट कोहली ने हरिस की 2 गेंदों पर जड़े 2 छक्के। जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत को 8 गेंदों पर 28 रन की दरकरार थी, जब विराट कोहली ने हरिस रऊफ की लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच को बदल दिया, जिसमें स्टेट 6 भी शामिल रहा। ICC ने मैच के बाद कोहली के 6 को ICC शॉट ऑफ द सेंचुरी से नवाजा। आखिरी ओवर का रोमांच, पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को मोहम्मद नवाज ने आउट कर दिया। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और तीसरी गेंद पर कोहली ने 2 रन निकाले। चौथी गेंद नो बॉल रही, जिस पर कोहली ने छक्का जड़ दिया। अब 3 गेंद में 6 रन चाहिए थे। अगली गेंद वाइड रही, जिसके बाद बाई के 3 रन बने, लेकिन 5वीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर R. अश्विन ने टीम को जीत दिलाई। हार्दिक पांड्या ने 37 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली।